कमर्शियल माइनिंग कोल इंडिया के शेयरों के विनिवेश या बाईबैक पर रोक लगाने समेत 12 सूत्रीय मांग को लेकर चार श्रमिक संघ के चरणबद्ध आंदोलन के साथ गुरुवार को कोयला उद्योग में एक दिवसीय देशव्यापी हड़ताल का दिखा असर। प्रमुख मांग, सीएम पीडीआई को कोल इंडिया से अलग नहीं करने, कमर्शियल माइनिंग की प्रस्तावित नीलामी रद्द करने, शेयरों के विनिवेश व बाईबैक पर रोक लगाने, ठेका मजदूरों को हाई पावर कमेटी अनुरूप वेतन देने, जनवरी 2017 से 20 लाख ग्रेच्युटी व पेंशन में बढ़ोतरी, प्री मेच्योर रिटायरमेंट का निर्णय वापस लेने, भू विस्थापित को जमीन के बदले नौकरी की योजना चालू रखने। कोरबा में साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड कुसमुंडा क्षेत्र में एटक सीटू एसईकेएमसी इंटक एचएमएस व रेड्डी गुट इंटक ने संयुक्त रूप से हड़ताल को सफल बनाने सुबह से ही मोर्चा संभाल लिया। मानिकपुर सेंट्रल वर्कशॉप मानिकपुर खनान गेवरा कुसमुंडा दीपका बाकी मोंगरा रजगामार खदानों में कोयला उत्पादन और डिस्पैच को रोक दिया। आज के इस देशव्यापी हड़ताल में कोयला क्षेत्र में काफी प्रभाव रहा है और सारे मजदूर जो है वो जो है स्वस्फूर्त हड़ताल में जो है हिस्सा लिए हैं। हालांकि भारतीय मजदूर संघ ने इस हड़ताल का विरोध किया है और जहां तक प्रबंधन की बात है, इस हड़ताल को तोड़ने के लिए, असफल करने के लिए प्रबंधन ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश किया है और उसके बावजूद भी जो है श्रमिकों ने जो है इस हड़ताल का व्यापक समर्थन किया है और प्रथम पाली से ही ये हड़ताल जो है शुरू हो गई है। ये जो है 24 घंटे की हड़ताल है और ये सुबह से लेकर रात तक ये हड़ताल चलेगी। इस हड़ताल के माध्यम से हम भारत सरकार को और कोयला मंत्रालय को ये कहना चाहते हैं, आप जो है जन विरोधी और मजदूर विरोधी नीतियों को जो है आप जो है छोड़िए, नहीं तो आने वाले समय में एक बृहद आंदोलन होगा। सरकार के जो श्रम विरोधी नीति है इसके खिलाफ आज पूरा एकजुट हुए हैं और हड़ताल जो है काफी सक्सेसफुल है और सभी का समर्थन है और हम लोग पूरे सब एकजुट होकर हड़ताल कर रहे हैं, सभी का सहयोग है। अच्छा, आपका परिचय। आज जो हड़ताल है ये तमाम ट्रेड यूनियन एक मंच से एक संगठित होके आज हड़ताल पे है और ये हड़ताल जो है आज 100% हर क्षेत्र में सफल है। उसका कारण भी ये है कि जो तमाम मजदूर विरोधी नीति सरकार की रही है या श्रम कानूनों में परिवर्तन, अगर मैं अपने कॉरपोरेशन LIC की बात करूं लाइफ इंश्योरेंस की, तो इसमें कुछ माह पूर्व IPO लाने का प्रयास किया गया है। साथ ही साथ हमारा वेतन पुनर्निर्धारण का जो मुद्दा है वो अति विलंब हो चुका है, जिस पे किसी भी प्रकार की कोई चर्चा नहीं हो पा रही है। और तमाम असंगठित क्षेत्र में देखा जाए तो श्रमिक के अधिकार के विरुद्ध तमाम कानून ला के ये सरकार श्रमिकों के अधिकार को दबाना चाहती है। बैंक में भी हड़ताल का दिखा असर। ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉयज एसोसिएशन भी हड़ताल को समर्थन देते हुए शामिल हुए। अखिल भारतीय बैंक कर्मचारी संघ ने केंद्रीय ट्रेड यूनियनों के हड़ताल में शामिल होकर केंद्र सरकार की श्रम विरोधी नीतियों के खिलाफ प्रदर्शन किया। एक दिन के हड़ताल से कोल इंडिया में करोड़ों के नुकसान का अनुमान है, वहीं बैंक में भी करोड़ों का लेन देन प्रभावित रहा। मीडिया फोर सपोर्ट के लिए दीपका से राजेश साहू, बाकी मोंगरा से मनहरण साहू, कोरबा से राम कुमार के साथ ईश्वर राठिया की रिपोर्ट।